इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई और उस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड टीम ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरीके से हराया और इन 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हारने के साथ ही टीम इंडिया की WTC फाइनल में जाने की उम्मीद भी काफी कम हो गई थी। लेकिन अब टीम इंडिया को WTC फाइनल में जाने का एक और सुनहरा मौका मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो अगर टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 टेस्ट मैचों में से 4 टेस्ट मैच जीत लेती है तो टीम इंडिया बिना किसी परेशानी के आसानी से WTC फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन यह काम जितना दिखता है उतना आसान भी नहीं है। तो इसको छोड़कर मान लीजिए अगर टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1 या 2 मैच जीत पाती है तो उसके बाद भी टीम इंडिया के WTC फाइनल में जाने के सुनहरा अवसर बना हुआ है और उसी अवसर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब अगर सबसे पहले बात करें टीम इंडिया के बारे में तो टीम इंडिया को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना है और टीम इंडिया को WTC फाइनल में पहुंचने के लिए वहां पर कम से कम 4 मुकाबले जीतने होंगे तभी टीम इंडिया सीधे WTC फाइनल में प्रवेश कर सकती है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि अगर टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंचना चाहती है तो टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कम से कम 2 मुकाबले में जीत जरूरी होगी क्योंकि अगर टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कम से कम 2 मुकाबले जीतती है तो इसके बाद आगे की राह टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड आसान कर सकती है। सभी को पता है कि WTC फाइनल के लिए कुल 4 टीमों के बीच में रेस बनी हुई है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टीमें आती हैं और इसमें यह भी स्थिति साफ है कि ऑस्ट्रेलिया टीम भी WTC फाइनल में आसानी से जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी WTC फाइनल में जाने की राह इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होने वाली है जहां पर टीम इंडिया को WTC फाइनल में जाने के लिए 5 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। तो उसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम को भी 4 में से 4 और साउथ अफ्रीका टीम को 5 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। अब अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीमों के बारे में बात न करके न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टीमों के बारे में बात करते हैं क्योंकि अगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टीमें WTC से बाहर हो जाती हैं तो WTC का फाइनल मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बीच में ही खेला जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें न्यूजीलैंड टीम के बारे में तो न्यूजीलैंड को WTC फाइनल में जाने के लिए 3 में से 3 मुकाबले जीतने होंगे और ये 3 मुकाबले ही न्यूजीलैंड टीम को इंग्लैंड के साथ खेलने हैं। तो यानी कि टीम इंडिया की पूरी उम्मीदें अब इंग्लैंड टीम पर बनी हुई है। अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हो रही 3 टेस्ट मैच सीरीज को इंग्लैंड टीम आसानी से जीत लेती है तो न्यूजीलैंड टीम भी WTC फाइनल से आसानी से बाहर हो जाएगी क्योंकि इंग्लैंड के लिए न्यूजीलैंड को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा सकती है। तो अगर इंग्लैंड टीम न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज हराती है तो टीम इंडिया के लिए फाइनल में जाने की राह और भी आसान हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें साउथ अफ्रीका टीम के बारे में तो साउथ अफ्रीका टीम को भी WTC फाइनल में जाने के लिए आने वाले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। इनमें साउथ अफ्रीका को 2 मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ, साथ ही 2 मुकाबले श्रीलंका और 1 मुकाबला बांग्लादेश के साथ खेलना होगा। तो अब अगर इसमें भी साउथ अफ्रीका टीम को पाकिस्तान या श्रीलंका कोई भी एक टीम सीरीज हरा देती है तो साउथ अफ्रीका टीम के लिए भी WTC फाइनल में जाने की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो टीम इंडिया के पास WTC फाइनल में जाने के मात्र 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि टीम इंडिया अपने आगे आने वाले 5 में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल करे। इसके साथ ही दूसरा तरीका यह है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टीमें इस WTC फाइनल से बाहर हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।